वेलकम टू अनके क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म आइसोमर्स। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। The organic compounds having the same molecular formula but different structures are known as isomers. Second question बात हैं, what is hydrocarbon? Explain the types of hydrocarbon. So hydrocarbon क्या होते हैं? कोई भी compound जो hydrogen और carbon से मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? Hydrocarbon बोल देते हैं। Hydrocarbon के दो types होते हैं, एक होता है saturated hydrocarbon, दूसरा होता है unsaturated hydrocarbon. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किससे बनता है? सिंगल बॉन्ड से बनता है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ए हाइड्रोकार्बन इन विच दी एटम्स द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज स्टेरिफिकेशन? सो स्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस होती है। ये कब होती है? जब इथेनॉल रिएक्ट करता है किससे? इथेनोइक एसिड से किसी एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो गिव आउट करता है इस्टर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? स्टेरिफिकेशन। सो व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव ए स्वीट स्मेलिंग इस्टर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कैटेनेशन? सो कैटेनेशन क्या होती है? कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसके पास ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत लंबी चेन बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। सो कैटेनेशन इज द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म चेन। मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सो सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं? अब जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो सोप ऐसा प्रोडक्ट होता है जो ऑयल के साथ क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है। सो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? जो सोप होता है उसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है वो ऑयल के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, और इस तरह से जो डर्ट पार्टिकल से क्लोथ से वो साफ हो जाते हैं। सोप आर द मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वन इज हाइड्रोफिलिक डेट इज डिजॉल्व इन वाटर, विल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। आयोनिक एंड ऑफ सोप डिजॉल्व इन वाटर वाइल कार्बन डिजॉल्व इन ऑयल, दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। और ये जो कार्बन डिजॉल्व होता है ऑयल में, ये क्या सब स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? मिसेल्स टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे ही नए वीडियोज़ हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।